हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नॉमनक्लेचर करने वाले हैं वो क्या है, साइनाइड है। तो साइनाइड का IUPAC नॉमनक्लेचर अपन दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें देखिए ये कार्बन यदि पेरेंट चेन के अंदर या प्रिंसिपल चेन के अंदर इंक्लूड होता है तो इसका IUPAC नेमिंग करते हैं एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। और यदि ये कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तब करते हैं एल्केन कार्बो नाइट्राइल। और ये एल्केन में बाय डिफॉल्ट लेके चल रही हूँ, यदि एल्कीन होगा तो एल्कीन वर्ड आ जाएगा, एल्काइन होगा तो एल्काइन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो सफिक्स लग रहा है वो नाइट्राइल है और इसमें जो सफिक्स लग रहा है वो कार्बो नाइट्राइल, और इसमें जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो क्या है, साइनो, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, तो पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। तो इसमें ये वाली चेन क्या हो जाएगी, अपनी प्रिंसिपल चेन, जिसके अंदर इस साइनाइड ग्रुप का ये वाला कार्बन इंक्लूड हो रहा है पेरेंट चेन के अंदर। उसके बाद में इसको नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, मीन्स चार कार्बन है और ये क्या है, एल्केन है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट एन, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे लास्ट में, नाइट्राइल। ये नाइट्राइल क्या अपना सफिक्स है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये दिया हुआ है, इसमें भी स्ट्रॉन्गेस्ट जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अपने को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो इसमें देखिए ये वाली कार्बन चेन क्या अपनी लॉन्गेस्ट चेन है, जो उसको क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। उसके बाद में नंबरिंग देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने को करना है कि, तो सबसे पहले क्या है, इसमें वर्ड रूट क्या लगेगा, हेक्स। 4 पे क्या है, इन, 4 ई, और ये क्या है, नाइट्राइल। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, नाइट्राइल सफिक्स लग जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्स 4-ईन नाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस तरीके से इसमें बहुत सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं साइनाइड के। तो देखिए इसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब ये जो ग्रुप्स होते हैं वो पेरेंट चेन के अंदर इनका कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तब इनका IUPAC नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्केन कार्बो नाइट्राइल। तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे वो क्या है, हेक्स, और एल्केन है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। 1 पे 3 पे एंड 6 पे क्या है, ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो इस तरीके से इसका नॉमनक्लेचर अपन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसके अंदर सबसे पहले पेरेंट ये चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इसके अंदर प्रीफिक्स जब ये होता है तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, इसके अंदर साइक्लो, हेक्स, जेन। ये कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है तब इसका नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्केन कार्बो नाइट्राइल। तो एल्केन लिख दिया, अब लास्ट में क्या लिख देंगे, कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। ये इसका IUPAC नेमिंग हो गई। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, एल्केन आइसो नाइट्राइल। इसके अंदर प्रीफिक्स लगता है आइसोसाइनो और सफिक्स लगेगा आइसो नाइट्राइल, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्केन मींस वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या है, पेंटेन, पेंट और एन लग जाएगा क्योंकि एल्केन है इसलिए एन लगता है, पेंटेन और आइसो नाइट्राइल, ठीक है, आइसो नाइट्राइल। और इसकी पोजीशन भी बता सकते हैं, 2 क्या आ जाएगी, 2 आइसो नाइट्राइल, ओके। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अपना एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बाय डिफॉल्ट एल्केन मान के चल रही हूँ मैं। तो इसमें देखिए जब कार्बन ये वाला इंक्लूड होता है पेरेंट चेन के अंदर तब लिखते हैं एल्केनैल, ठीक है। और जब ये कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तब लिखते हैं एल्केन कार्बेल्डिहाइड। और इसमें प्रीफिक्स लगता है ऑक्सो और इसमें लगता है फॉर्मिल। इसमें सफिक्स लगेगा एल और इसमें लिखेगा कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अपने को एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगी, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं।
सबसे पहले ये अपने को कोई कंपाउंड दिया हुआ है जिसके अंदर अपने को एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, और उसमें क्या वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट होने चाहिए, और उसमें क्या फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जब ये सेलेक्ट करते हैं तो 6 है, और इधर से सेलेक्ट करेंगे तो 5, 6, 7। तो देखिए 5, 6, 7, तो ये वाली जो चेन है वो अपनी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। अब इसका नॉमनक्लेचर करेंगे तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं इसके अंदर, सेकेंडरी प्रीफिक्स और उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स मीन्स नेम ऑफ सब्सटेंस विद पोजिशन, तो क्या हो जाएगा 5-methyl। फिर वर्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें है नहीं, फिर लिखेंगे वर्ड रूट क्या है इसमें, हेप्ट, ठीक है। एल्किन में इन है तो 3-ene, और 1 पे क्या है, एल, मींस फंक्शनल ग्रुप का जब कार्बन इंक्लूड होता है तो अपन सफिक्स क्या लगाते हैं, एल। नेक्स्ट देखिए, इसलिए कि नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, तो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट 1-ene। पाइपेसी नॉमनक्लेचर क्या हो गया, ब्यूट, और फिर एल्केन है तो क्या लेंगे, एन, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1-ene, ये इसको लिख सकते हैं ब्यूटेनल, ठीक है। काइस्पिनिस नॉमनक्लेचर इस तरीके से भी इनको मिला के लिखते हैं तो ब्यूटेनल हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जिसके अंदर अपने को सबसे पहले प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट करेंगे तो ये कारण है इस प्रिंसिपल चैन के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। तब इसका नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्केन कार्बेडी हाइट। तो देखिए, इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स दिया हुआ है तो साइक्लो, ठीक है। वर्ड लुक ही लिखेंगे हेड, फिर प्राइमरी सफिक्स एन, हेक्सेन गया, फिर लिखेंगे कार्बेल्डी हाइट, कार्बेल्डी हाइट, ठीक है। तो जब इसमें ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं होता तो एल्केन कार्बेल्डी हाइट लिखते हैं, तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर कर लेंगे।